कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर सहारा इंडिया परिवार के मुख्य अभिभावक सहारा श्री श्री सुब्रत राय सहारा जी ने देश के नाम एक संदेश दिया है। देखते हैं सहारा श्री का यह देश के नाम संदेश। मेरे प्यारे देश के प्यारे देशवासियों, आज जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो बहुत विचलित हूं। मन में गहरी पीड़ा है। कोरोना की महामारी ने समूची दुनिया में हिला कर रख दिया है। हमारे प्यारे देश भारत में भी यह तेजी से फैल रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, स्पेन जैसे देशों में इसका कहर काबू से बाहर हो रहा है। दुनिया में संक्रमित लोगों की संख्या लाखों में हो गई है। इससे मरने वालों की संख्या भी 1 लाख के पार हो गई है। अभी तक इसका कोई भी असरदार उपचार सामने नहीं आया है। हालात को देखते हुए हमारी सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन का यह दूसरा चरण पूरे देश के लिए, देश में एक एक नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लॉकडाउन में हमें कोरोना को काबू करना ही होगा। 3 सप्ताह के लॉकडाउन ने हमारे सामने अनेक कठिनाइयां पैदा की हैं। हमारा सामाजिक जीवन रुक गया है, हमारा आना जाना रुक गया है, उद्योग व्यापार बंद हो गए हैं, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ है, कमजोर वर्गों पर भारी मार पड़ रही है। लेकिन मनुष्य का जीवन इन सब से बड़ा है। जान है तो जहान है। जब जीवन रहेगा तभी सारे क्रियाकलाप चलेंगे। इसलिए प्राथमिकता मनुष्य का जीवन बचाने की है। जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें लोगों की परेशानियां बढ़ेगी। हमें परेशानियों को सहना पड़ेगा, कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। जिंदगी बचाने के लिए इन कठिनाइयों को सहना ही एकमात्र उपाय है। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन लागू नहीं करते तो हमारे यहाँ हालत बहुत ही बुरे होते। हम सबको ये समझना होगा कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, ये संपूर्ण मनुष्य जाति की लड़ाई है, मनुष्य जाति के हर सदस्य की लड़ाई है, हमारी और आपकी लड़ाई है। इस लड़ाई में हर व्यक्ति सिपाही है, हर व्यक्ति कोई ना कोई जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति कोई ना कोई भूमिका है। अगर हम सब ये मान लेंगे कि जो कुछ करना है वो सरकार को करना है, अस्पतालों और डॉक्टरों को करना है, पुलिस और प्रशासन को करना है, तो यकीन मानिए कि हम कोरोना के विरुद्ध लड़ाई हार जाएंगे। अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें भी स्वयं को एक सिपाही मानना होगा। हम जहाँ भी जैसे हैं वहाँ अपनी भूमिका निभानी होगी। अगर हमें थोड़ी कठिनाई हो रही है तो ये कठिनाई हमें सहनी होगी। एक बड़ी विपदा को टालने के लिए छोटी कठिनाई को सहने में ही समझदारी है। ये बेहद कठिन दौर है। इंसान खतरे में है, इंसानियत खतरे में है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि कोरोना के खतरे को समझें। आपका चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मजहब हो, सबको इनके ऊपर उठने की जरूरत है। इस समय हम सबका मजहब इंसानियत ही होना चाहिए, इंसानों को बचाना होना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान घर में रहें। सरकार जो भी दिशा निर्देश जारी कर रही है उसका कड़ाई से पालन करें। डॉक्टर, नर्स, पुलिस प्रशासन के लोग आगे रहकर कोरोना से लड़ रहे हैं। ये हमारे जीवन बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। इन लोगों से साथ दें, तन मन धन से साथ दें। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग ना होने दें। टेलीफोन एवं इंटरनेट के जरिए अपनों से संपर्क बनाए रखें। भावनाएं बहुत बड़ा संबल होती है। हम सारे देशवासी भावनात्मकता के साथ एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें और एक दूसरे का मददगार बनने की कोशिश करें। इसी में हम सबकी सुरक्षा है और इसी में हम सबकी भलाई है। जब हम कोरोना को हरा देंगे तो जिंदगी नई शुरुआत करेंगे। सब मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे और पहले से भी मजबूत भारत का निर्माण करेंगे। जय भारत, जय मानवता। आपका हितैषी सारा प्रणाम।